ये दे रखा है क्वेश्चन, इसमें बोलता है रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को और सिंप्लीफाई करो। तो इसमें क्या नियम है कि जो नीचे रहता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं साइन बदल करके। ठीक, अभी ऊपर वाला ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 -4√3 का स्क्वायर, और नीचे में कौन सा आइडेंटिटी लग जाएगा, ये a+b इंटू a-b, a+b और a-b क्या हो जाता है, a² - b² तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। अब ये a-b का होल स्क्वायर, ये ऊपर में क्या a, ये b उसका होल स्क्वायर, तो a-b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² - 2ab + b² तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर - 2 × 7 × 4√3 + 4√3 का स्क्वायर। और नीचे में क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56 √3, और 4√3 का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या होगा, 4√3 × 4√3, 4 4 जा 16, √3 × √3 3, 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 48। नीचे 7 का स्क्वायर तो 49 और इसका स्क्वायर 48, 49 में 48 ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 8 17, कैरी वन, 4 4 8 97 - 56√3, और डिनोमिनेटर में बचा 1, तो डिनोमिनेटर में 1 बचा उससे क्या होगा, ऊपर वाला ही रह जाएगा, तो यही था।